Hello everyone, this is Pratima Chaturvedi and I welcome you all to my channel The English Way. यहाँ हम बहुत सारी problems जो English से related हैं, related to literature, related to language, उन्हें discuss करते हैं और उनके discussion का जो तरीका है वो हमारी हिंदी और English का mix way है, that is English Way. It is said that well begun is half done. अगर हमारी प्लानिंग और हमारी स्ट्रैटेजी को हमने वेल प्लान किया हुआ है तो हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी को सही शुरुआत दें. सो लेट्स बिगिन हाउ टू स्ट्रैटेजाइज. सो आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट भी एक मेन पार्ट के रूप में हमारे सामने होता है. जैसे अभी इस समय जो एग्ज़ाम है उनमें जूनियर टीचर सिलेक्शन एग्ज़ाम है जिसमें एक मेन सिलेबस में दिया हुआ है इंग्लिश हिस्ट्री एंड पोएट्स एंड राइटर्स ऑथर्स. दूसरा हमारा एग्ज़ाम है हमारे जो इंग्लिश टीचिंग बेस्ड एग्ज़ाम है जैसे TGT है, PGT है, लेक्चरर एग्ज़ाम है. ऐसे सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश लिटरेचर एक मेन पार्ट के रूप में होता है. 50-60% क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर. तो ऐसे में हम किस तरह से एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़े, आज हम सभी उसी पर बात करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे एग्ज़ाम्स में कितना और कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट इज कि हमारे जो इंग्लिश का पार्ट है उस पार्ट में 50-60% लिटरेचर का पार्ट हो सकता है और वो क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हो सकते हैं कहाँ पर, एज एंड पीरियड्स पर. जो कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर उठाते हैं तो उसमें अलग अलग फेजेस हैं, जैसे शेक्सपियरियन एज है, जैसे रेस्टोरेशन एज है, जैसे विक्टोरियन एरा है. तो इस तरह से कई सारी फेजेस और कई सारे एजेस हैं जिनको हमें जानना होता है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. अबाउट बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल बैकग्राउंड पर क्वेश्चन हो सकते हैं. अबाउट टाइम पीरियड मीन्स कब से कब तक कौन सी एज या कौन सी फेज रही है. अबाउट मोनार्की, जो किंग या क्वीन है या रूलर है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा सोसाइटी पर रहा है और सोसाइटी वही क्रिएट करती है जो आसपास चल रहा है, उन्हीं में से हमारे ऑथर्स या राइटर्स होते हैं. तो लिटरेचर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द सोसाइटी ऑफ द पर्टिकुलर टाइम. अबाउट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, उस समय कौन डोमिनेटिंग ऑथर है, पोएट है, राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, इन चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है. एंड इस तरह के एक पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इस तरह से इन इन एजेस और फेजेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब आगे हमें जानने की क्या क्या जरूरत है, तो हमें कैसे तैयारी शुरू करनी है. तो हम सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू, आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ द पीरियड. उस पर्टिकुलर जो एज है उसका क्या नाम हो सकता है. जैसे एलिजाबेथन एज है तो एलिजाबेथन एज को हम और किस नाम से जानते हैं. दूसरा है कि अगर उसका कोई और नाम है, एक लिटरेरी पीरियड है जिसमें ऑथर के नाम से नाम हो सकता है या फिर मोनार्की के नाम से कोई नाम दिया जा सकता है उस एज को, तो उसके क्या क्या नेम्स हो सकते हैं. और उसके बाद दूसरा आता है कि उसके क्या सब डिविजन्स हो सकते हैं. तो इनके साथ हम आगे बढ़ें. तीसरा है द इम्पॉर्टेंट फिगर एंड देयर वर्क्स ऑफ द एज. इम्पॉर्टेंट फिगर्स का मतलब किस एज में कौन सा ऑथर है और उनके क्या ऐसे वर्क्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दे आर बींग आस्क्ड इन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस. फिर इम्पॉर्टेंट जार ऑफ द एज मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कौन सी फॉर्म्स हैं जो डोमिनेटिंग है. जैसे किसी फेज में हो सकता है कि प्रोज में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी जा रही हों, कभी ऐसा होता है कि पोएट्री डोमिनेटिंग रही हो. इस तरह से हमें ये जानना ज़रूरी होता है. दूसरा ये है कि फॉर्म्स ऑफ प्रोज एंड पोएट्री, इसमें
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें ये है कि फॉर्म मतलब पोएट्री और प्रोज, तो प्रोज में कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जर्नल्स जो है, जो स्टोरीज हैं, जो नॉवेल्स हैं, ये सब हमारे प्रोज में हो सकते हैं। और पोएट्री की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो जैसे शेक्सपियरियन एज जो थी उसमें जो ड्रामास थे वो भी ब्लैंक वर्स में लिखे जाते थे, यू कैन से कि पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते थे। तो इस तरह से प्रोज और पोएट्री के कौन कौन से फॉर्म्स थे जो किसी पर्टिकुलर एज में बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे थे या ट्रेंड्स में थे। फिर नेक्स्ट है नर्व्स ऑफ द एज। नर्व्स ऑफ द एज का सेंस यहाँ पर ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस एज का जो फॉर्म था, जो बैकग्राउंड था, या जो फोर्स थी, वो फोर्स इमेजिनेटिव थी, वो फोर्स साइंटिफिक थी, वो फेज जो है वो रियलिस्टिक थी। तो किस तरह से किस एज में राइटर्स कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो इस तरह से हमें उस टाइम पीरियड को और उसके बारे में और हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी एजेस हैं, मॉडर्न एज तक, जो ओल्ड पीरियड है वहाँ से मॉडर्न एज तक आपको डिवाइड कर लेना है। और फिर आपको हर एक एज का एक नाम, हर एक एज के सब डिविजन्स, हर एक एज को हम लिटरेरी फिगर के नाम से कैसे जानते हैं, हम मोनार्क के जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग कैसे जानते हैं, ये जानना ज़रूरी है। इस तरह से आप अपना एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे और वो चार्ट आपका हिस्ट्री जो होगी, उस फेजेस जो होंगे, जो डिवाइडेशंस होंगे एज वाइज, टाइम वाइज, रूलर वाइज, फेज वाइज, लिटरेचर वाइज, तो वो आपकी क्लैरिटी आती चली जाएगी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लिया है, जैसे कि हम अभी बात किए कि एलिजाबेथन एज है, तो एलिजाबेथन एज जो है वो 1558 से 1603 तक की एक एज मानी जाती है। लेकिन एक ओवरऑल जो टाइम इसका मानते हैं वो 1550 टू 1625, जो जैकोबियन एज है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। अब क्यों उसे हम लेते हैं, तो किंग जेम्स फर्स्ट जो था वो राजा था जो जैकोबियन फैमिली से था, तो वहाँ से इस एज को यहाँ पर हम इसमें जोड़ के देखते हैं, जो 1603 से 1625 का पीरियड है उसे यहाँ पर इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसका कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं था। जो एलिजाबेथन एज के इम्पैक्ट्स थे, जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, उन्हीं का डोमिनेंस इस एज, इस फेज में भी था, इस टाइम पीरियड में भी था। सिर्फ एक चीज़ जो बदली थी वो ये थी कि क्वीन एलिजाबेथ की जगह पर जो न्यू मोनार्क था वो किंग जेम्स फर्स्ट थे। फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई उस समय, तो 1559 में पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो अलग अलग स्ट्रीम्स चल रही थी कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम कैथोलिक हैं, तो उसमें एक जो सुप्रीम पावर थी वो किंग या क्वीन में आई, और इस तरह से क्या हुआ कि पूरी सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी आई। फिर 1588 डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और इसके अलावा इस एज को हम शेक्सपियरियन एज या गोल्डन एज या एज ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, इस तरह से कई नामों से जानते हैं क्योंकि एलिजाबेथ जो क्वीन थी उन्होंने उस पूरे टाइम को हर एक तरह से, मीन्स जो डिस्कवरीज हो रही थी, इन्वेंशंस के बेसिस पर, इनोवेशंस के बेसिस पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, मोटिवेट किया लोगों को। तो ये जो फेज है, जो एज है, वो पूरे लिटरेचर हिस्ट्री का गोल्डन एज माना जाता है। फिर इसके मेन ऑथर्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली दो नाम है इसके, एक तो एलिजाबेथन एज जो क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से है, और दूसरा शेक्सपियरियन एज जो उस समय के द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर के नाम से हम इस एज को जानते हैं। इसके अलावा यहीं से एक इमर्जिंग एरा था जहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स भी इमर्ज कर रहे थे, जॉन डन जैसे पोएट्स थे जो इमेजिनेशन को स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की चीज़ों से कनेक्ट कर रहे थे, तो वो एक इमर्जिंग फेज था। अब आगे हम जानते हैं कि लिटरेचर ऑफ द एज उस समय का क्या था, तो अगर हम शेक्सपियरियन एज की बात करते हैं तो ड्रामा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, पॉपुलैरिटी थी, और ड्रामा में ट्रेजेडी और
कॉमेडी दो मेन फॉर्म्स में थी। अब पोएट्री थी तो पोएट्री में लिरिक्स थे और सोनेट थे, छोटे छोटे पोएम्स लिखी जाती थी, लिरिकल पोएम्स थी। और सोनेट्स, सोनेट्स आप सभी जानते हैं, 14 लाइन की पोएम उस समय लिखी जाती थी। और शेक्सपियर को आप सब जानते हैं, 154 सोनेट्स इन्होंने कंपोज किए हैं। प्रोज भी थी अपने एज में, जैसे कि हम फ्रांसिस बेकन का नाम लेते हैं जो एसेइस्ट है, ग्रेटेस्ट एसेइस्ट है, फादर ऑफ प्रोज जिन्हें कहा जाता है। तो वो चीज़ें भी इस समय इमर्जिंग स्टेट में थी। ऑथर्स ऑफ द एज में अगर हम और बात करें तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वेट्स का नाम आता है जो 7 ड्रामेटिस्ट है। उसके बाद हम बेन जॉनसन जो कॉमिक पोएट कहे, राइटर कहे जाते हैं, ड्रामेटिस्ट है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया है। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन जो मेन प्रोज राइटर्स में उस समय इनका नाम आता है। राफेल हॉलिनशेड जो हिस्टोरिकल ग्राउंड्स को कलेक्ट करने का काम इन्होंने उस समय पर किया। तो ये पूरा टाइम है जो कनेक्ट करता है। ये एक एग्जाम्पल था कि जब आप एलिजाबेथन एज को पढ़ते हैं तो उसे किस तरह से एक होलिस्टिक वे में आप उसे सामने रखेंगे। पोएट्स में एडमंड स्पेंसर का नाम आता है, फिलिप सिडनी का नाम आता है, माइकल ड्रेटन का नाम आता है। ट्रेंड्स जो थे उस समय स्पेंसेरियन स्टेंजा लिखे जा रहे थे। ब्लैंक वर्स में ज़्यादा चीज़ें लिखी जा रही थी, जैसे मैंने कहा कि उस समय जो ड्रामा था वो भी पोएटिक फॉर्म में लिखा जा रहा था, ब्लैंक वर्स में लिखा जा रहा था। तो ये सब एक ओवरऑल व्यू है जो हमारा एक एज के लिए, एक फेज के लिए बनता है। तो ये एक मैंने शायद अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप किस तरह से चीज़ों को समअप करें, कैसे कंक्लूड करें, कैसे कहाँ से शुरू करें। तो उस तरीके से आप लिटरेचर को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। और बाकी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एज बाय एज और पोएटिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिटरेचर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पोएट्रिक फॉर्म है, प्रोज फॉर्म्स हैं, उनमें क्या क्या कंपोजिशंस हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट एजेस में, क्या प्रोग्रेस थी, क्या ग्रोथ थी, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रतिमा चतुर्वेदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।